सो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है सब लोगों के? बढ़िया। हमारे पास जब भी हम कुछ यादें समेट लेते हैं, कुछ अच्छी यादें, तो उसे बताने के लिए ज़रूरत पड़ती है कहानी बताने की। तो आज मैं आप लोगों को अपनी रक्षाबंधन के दिन की यहाँ बड़ोड़ा से लेके नड़िया तक के रोड ट्रिप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसा है कि उत्सुकता जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैंने एक फर्स्ट क्लिप रिकॉर्ड की, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैंने बोला कि ये क्लिप से बेटर कोई क्लिप मेरे अंदर के बच्चे को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती। तो आप लोग ये क्लिप देखो और मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। So hello, what is up, beautiful people? I'm Chinese Tiger and you're watching Bird of Burgundy. कह सकते हो शॉन्टी पोपलू की सेकेंड हैंड कॉपी, कह सकते हो। So hello, namaste, sat sri akal ki hala chal, this is Chinese Tiger and you're watching Bird of Burgundy. So guys, आज we are निकलिंग आउट ऑफ माई हाउस। देख सकते हो हाउ मच एक्साइटमेंट आई हैव विदिन मी। यस, हाइक करने का मजा ही कुछ और होता है यार। मतलब क्या मैं कहूँ तुमको, ये देखो पहले, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ कि और यूजुअली मैं जो चीज़ें ट्रैवल करता हूँ तब मैं क्या क्या लेके जाता हूँ, क्या क्या लेके निकलता हूँ, तो दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से सब कुछ हमारा यहाँ पे बेड पे पड़ा रहता है। व्हेन आई एम गोइंग आउट तो डोंट कंसिडर दिस, दिस इज अलग, वो अलग है। एंड दैट्स टूल किट, पानी की बॉटल, सैनिटाइजर, मास्क नीचे है, आई विल टेक इट एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम कैरिंग आउट इन दैट बैग। सो दैट्स इट। देख रहे हो ना मतलब तुम लोग कि मैं क्या क्या लेके निकल रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बारिश वारिश होगी ना, तो मेरे पास अभी रेन कवर ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो देखा जाएगा यार। मतलब सारी चीज़ें फिर अपन बूट में डाल देंगे और सब चीज़ें सॉर्टेड है। तो मैं मिलता हूँ तुमको रास्ते में, रस्ते के मज़े सस्ते में। देखा आपने कितनी अंदर से एक्साइटमेंट थी जो मतलब बाहर आ रही थी उस वक्त। तो एक दिन पहले मैं कुछ ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो रेगुलरली मैं खरीदता हूँ, तो दूध और सब्जियाँ वगैरह, तो वो सब्जियाँ और दूध लेने हम लोग निकले थे। तो हम लोगों ने देखा कि आसपास के मार्केट में इतनी भीड़ लगी पड़ी है ना कि आप भी देख सकते हो कि नॉर्मली अगर जो पिछले कई सालों में हमने रक्षाबंधन पे भीड़ देखते थे ना, उससे भी कहीं ज़्यादा लग रही थी मुझे, टू बी फ्रैंक। अब हुआ क्या ना कि यार एक्साइटमेंट तो रात से ही थी, लेकिन तो उस चक्कर में मैंने ना एक गलती कर दी कि मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया, और रेस्ट करे बिना ही मतलब 4 या 5 घंटे की नींद कह लो वो लेके हम लोग निकल गए। और काफ़ी एक्साइटेड था मैं सबसे मिलने के लिए भी, एंड इतनी दिनों के बाद 120 किलोमीटर प्लस की राइड करने को मिल रही थी। तो मैं जब भी जाता हूँ ये निज़ामपुरा वाला रूट में लेता हूँ, तो उसके बीच में हमको गुरुद्वारा जो मिलता है रास्ते, हमने गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन किए और मतलब उनकी ब्लेसिंग्स लेके एक रोड ट्रिप स्टार्ट हो तो उससे तो बेटर क्या ही हो सकता है। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लेट्स बिगिन दिस रोड ट्रिप और फिर मैं आप लोगों को मिला सीधा सड़कों पे। मतलब एक दिन पहले की जो मार्केट में भीड़ देख के मुझे लगा नहीं था कि नेशनल हाईवे इतना खाली मिलेगा मुझे। मतलब एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहने वाला है, पर हैवी ट्रैफिक तो छोड़ो, मतलब कुछ ट्रैफिक ही नहीं था, सटासट हम पहुंच सकते थे। लेकिन मैं आराम आराम से ही चलाता हूँ गाड़ी, मतलब मैं गाड़ी ना आराम आराम से ही चलाता हूँ, ऐसे भगाता नहीं हूँ, क्योंकि जो जर्नी कंप्लीट करने से ज़्यादा जो जर्नी को हम जीते हैं ना उसका अलग मज़ा रहता है। तो हमेशा हमको आसपास की चीज़ों को एन्जॉय करते हुए एक रोड ट्रिप को कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नो ट्रैफिक वॉज गुड एंड स्मूथली गाड़ी चल रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था। फिर हम लोग पहुँचे महिसागर रिवर पे,
और ये अमेजिंग सा नज़ारा आप लोग देखो महिसागर रिवर का, कितनी साफ और अच्छी लग रही थी रिवर, मतलब ग्रीन कलर की है बट कोई भी कचरा नहीं नजर आ रहा एज ऑफ नाउ। और मुझे मतलब ये डर है कि आफ्टर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन ये नज़ारा नहीं रहेगा इस रिवर का, कुछ बदला बदला नज़ारा रहेगा इस तरीके का, जैसा कि ये सिंध रोड है आफ्टर सिंध रोड चेक डैम है आफ्टर दशामा फेस्टिवल इन गुजरात, मतलब इन बड़ा पर पूरे गुजरात में ही लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो तो यहाँ पे मैं आपको वही पुरानी बातें ही सुनाऊंगा कि आप लोग यूज़ करो मिट्टी की मूर्तियाँ यूज़ करो इन गणेश चतुर्थी। वी ऑल्सो मतलब मेरे घर पे तो गणेश जी नहीं बैठाते बट मेरे मामा के घर पे रक्षाबंधन वाले दिन ही वी बुक्ड मिट्टी की मूर्ति। देखो मूर्ति छोटी बड़ी होने से कोई वो नहीं होता, श्रद्धा और भावना आपकी बड़ी होनी चाहिए, मूर्ति छोटी होगी तो भी चल जाता है। तो यूज़ इको फ्रेंडली, गो इको फ्रेंडली, यूज़ मिट्टी की गणपति सो नेचर को हार्म ना करें। तो पहले के ज़माने से आप लोग कहोगे हमारे पुरखों के ज़माने से ये चलता आ रहा है एंड ऑल, वो बात सही है लेकिन पहले आपको पता ही होगा कि वो मिट्टी की मूर्तियाँ यूज़ करते हैं, नॉट अ POP। तो काफ़ी बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आती जब ये वाले नज़ारे हम देखते हैं ना, बहुत बुरा लगता है मेरे को। तो मैंने आपसे कहा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो जैसे ही मेरे को आनंद क्रॉस रोड पे मेरे को ये हाईवे पे जैसे ही खटिया दिखी ना, मैंने सोचा सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन खटिया की और कोरोना वायरस की हालत देखते हुए मुझे लगा कि नहीं भाई, वाटर ब्रेक लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो सैनिटाइजेशन ऑफ कोर्स पहले हमने सैनिटाइज किया खुद को, हाथों को, एंड देन वी टुक अ लिटल वाटर ब्रेक। फिर वहाँ पे ही पास में ये अनफॉर्चुनेटली जो आंटी है वो POP की गणेश मूर्तियाँ बना रही थी, बट उनको हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी खुद की अवेयरनेस जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डिमांड करेंगे मिट्टी की मूर्तियों की, इनकी डिमांड POP की डिमांड बंद कर देंगे तो बनाना भी बंद कर देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये चीज़ हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ना कि उनको। तो एक्चुअली मेरे घर पर तो नहीं आती, और जिनके घर पर आती है मेरे रिलेटिव के घर पर वी बुक ओनली मिट्टी की मूर्ति, सो दैट्स वॉट आई सजेस्ट यू टू डू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया खाट वाट सेट है ये, मासी नव बनाओ जो के रिपेयरिंग करो जो नव बनाओ जो अच्छा अच्छा ट्राई कर ला चालो पछी मड़ू हाँ टू सी ऑफ हर आई टोल्डर कि चलो आंटी बाद में मिलते हैं इन गुजराती, आई टोल्डर दैट चलो आंटी हम बाद में मिलेंगे लाइक अ फ्रेंड। तो शी रिप्लाइड हाँ ओके बेटा चलो बाद में मिलते हैं। ऑन दिस पॉइंट माई मदर स्टार्टेड लाफिंग एंड देन वी बोथ लाफ्ड एंड कंटिन्यूड आवर जर्नी। So this was the funny moment of my journey. This is the short view of Raksha Bandhan, how we celebrated. And अगर इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी so we talked in Hindi little bit. ऊपर हो जाना है थोड़ा खड़ा हो जाना है राजू मामा इधर रह रहे हैं इसके लिए देखो बांध दिए क्या भूल गया क्या मेरे भी राजू मामा उदयपुर में थे राजू मामा इधर कंफ्यूजन होता है मैं किस लिए बैठा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई आई वाज हियर टू स्टोरी टेल फॉर स्टोरी टेलिंग एंड
ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा हेक्टिक डे। तो आप बताओ कि आपका दिन कैसा रहा, आपका रक्षाबंधन कैसा रहा, आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया कि नहीं, कमेंट करके बताओ। तो अगर आपने वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, ये वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दो, और घंटी भी दबा देना, और सब्सक्राइब का बटन दबा के बर्डियन ब्लॉगर TR फैमिली का हिस्सा पार्ट जरूर से बने। तब तक मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, तब तक के लिए आप दूसरे मेरे पुराने काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं वो चेकआउट करिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।